वायरस का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है और वो है कोरोना, क्योंकि इस वायरस ने केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना खैर बरसाया है। वैसे ये तो रही कोरोना की बात, दुनिया में और भी खतरनाक वायरस हैं जिन्होंने कभी भयंकर तबाही मचाई थी। दुनिया में करीब 3,20,000 तरह के वायरस हैं जो कि मेमल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। मेमल्स यानी कि स्तनधारी जीव, यानी कि जो अंडा नहीं देते हैं बल्कि बच्चों को जन्म देते हैं। इनमें से सबसे खतरनाक वायरस हर साल दुनिया भर में लगभग 1.5 करोड़ लोगों की जान ले लेते हैं। वायरसों की गिनती पृथ्वी के सबसे पुराने जीवों में होती है। ये हर जगह पाए जाते हैं और जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं जिसे वायरस इन्फेक्ट नहीं कर सकता हो। आइए देखते हैं दुनिया में अब तक के 10 खतरनाक वायरस कौन से हैं। नंबर 1, रोटा वायरस। रोटा वायरस को चाइल्ड किलर भी बोला जाता है। ये करीब दुनिया भर में हर साल 5 लाख बच्चों की जान ले लेता है। इससे सबसे अधिक मौतें विकासशील देशों में होती हैं। इस वायरस को माइक्रोस्कोप से देखे जाने पर यह एक पहिए की आकृति जैसा दिखता है और पहिए को लैटिन भाषा में रोटा कहा जाता है, इसलिए इसे रोटा वायरस भी कहा जाता है। यह नवजात बच्चों और 6 से 8 साल के बच्चों में घातक डायरिया फैलाता है जिससे कई बार बच्चों की जान भी चली जाती है। नंबर 2, एबोला और मार्गवर्ग वायरस। एबोला और मार्गवर्ग वायरस आज की दुनिया के सबसे खतरनाक वायरसों में शामिल है, क्योंकि अभी तक इसका कोई सटीक इलाज या वैक्सीन ईजाद नहीं किया जा सका है। क्योंकि इस वायरस की फैटलिटी रेट 90% तक है, यानी कि इससे इन्फेक्ट होने के बाद जान जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है और इन दोनों वायरसों के लगभग लक्षण एक समान है। इससे संक्रमित होने के बाद व्यक्ति को हेमरेजिक फीवर और आर्गन फेलियर जैसी समस्याएं हो जाती हैं। नंबर 3, मीजल्स वायरस। पिछले 150 साल में यह करीब 20 करोड़ लोगों की जान ले चुका है। पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से यह हर साल करीब 2 लाख लोगों की जान ले लेता है। हालांकि अब वैक्सीन के जरिए इस वायरस को कंट्रोल कर लिया गया है। मीजल्स को आम भाषा में खसरा का रोग कहा जाता है, लेकिन यह खसरा के मामले में सबसे बुरी बात यह है कि इस वायरस के संक्रमित एक व्यक्ति 12 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। इन्फ्लुएंजा और फ्लू वायरस। फ्लू के कारण दुनिया भर में हर साल करीब 5 लाख लोगों की जान चली जाती है। सबसे खतरनाक फ्लू पैंडेमिक में स्पेनिश फ्लू ने 5 से 10 करोड़ लोगों की जान ली है। यह अब तक का सबसे खतरनाक फ्लू पैंडेमिक माना जाता है। नंबर 5, हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस। हेपेटाइटिस बी हर साल करीब 7 लाख लोगों की जान ले लेती है। वर्तमान में यह सबसे खतरनाक बीमारियों में गिनी जाती है। यह लीवर पर सबसे पहले अटैक करती है जिससे लीवर कैंसर या लीवर डैमेज हो जाता है। इस बीमारी में होने वाला लीवर डैमेज परमानेंट होता है जिसे इलाज से ठीक नहीं किया जा सकता। हेपेटाइटिस सी में दुनिया भर में हर साल करीब 3.5 लाख लोगों की डेथ हो जाती है। नंबर 6, येलो फीवर। जब किसी व्यक्ति में येलो फीवर की स्थिति बहुत अधिक गंभीर होती है तो उसकी नाक, आंख, मुंह और पेट से खून आने लगता है। इस स्थिति में पहुंचने वाले मरीजों में से करीब 50% लोगों को 7 से 10 दिन के अंदर अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। आज भी येलो फीवर दुनिया भर में करीब 2 लाख लोगों को इन्फेक्ट करता है और करीब 30,000 लोगों की जान ले लेता है। वैसे इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। नंबर 7, एचआईवी वायरस। एक्सपर्ट्स के अनुसार वर्तमान समय में दुनिया भर में करीब 4 करोड़ लोगों को एचआईवी वायरस से पीड़ित हैं। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 30 साल में हर साल करीब 20 लाख लोग इस बीमारी के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अब तक करीब 2.5 करोड़ लोग इस बीमारी के कारण मर चुके हैं। नंबर 8, रेबीज वायरस। रेबीज को पुराने वक्त से ही एक बहुत अधिक खतरनाक बीमारी माना जाता रहा है। रेबीज की बीमारी चमगादड़ या कुत्ते के काटने या नाखून कड़ाने से भी हो सकती है। इस बीमारी में दुनिया भर में हर साल 60,000 लोगों की मौत हो जाती है। इनमें से अधिकतर मौतें अफ्रीका और सदर्न एशिया में होती हैं। नंबर 9, स्मॉल पॉक्स वायरस। दूसरे किसी भी वायरस की तुलना में चेचक दुनिया के सबसे अधिक लोगों यानी कि 30 से 50 करोड़ लोगों की जान ले चुका है। यानी कि इस वायरस से संक्रमित होने पर एक व्यक्ति 3 से 6 लोगों को संक्रमित कर सकता है
और इसका फैटलिटी रेट 90% होता है। इससे इन्फेक्टेड होने के बाद जान जाने का खतरा बहुत अधिक रहता है। हालांकि वैक्सीन के जरिए इस वायरस को अब दुनिया से पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। नंबर 10, डेंगू वायरस। डेंगू वायरस मच्छरों के काटने से फैलता है। ये वायरस दुनिया के 110 देशों में पाया जाता है और हर साल करीब 10 करोड़ लोगों को इन्फेक्ट करता है, जिसमें से करीब 20,000 लोगों की मौत हो जाती है। जिन लोगों को यह वायरस दोबारा जकड़ लेता है, वे अक्सर गंभीर स्थिति में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और लगी हो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ को लाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।